देखिए कंपटीशन कितना टफ होगा वो तो पता नहीं है, मगर ऐसे लग रहा है कि सब वहां पर जो खड़े हैं सब तैयारी में खड़े हैं, और क्योंकि कराओके है और बहुत पॉपुलर स्पॉट है ये, तो मजा आएगा देखने को। इट वॉज खड़ा होके, खड़ा होके गाना पड़ता है, वह खड़ा होके है, मुझे जाके फॉरन में कराओके कर दिया क्या। ये एक्चुअली इसका पहले खड़ा होके था, इंडियन वर्ड था ये, जो खड़े होके गाना गाते थे चौपाल में वगैरह, तो वहां से हमारा ओरिजिन यहाँ से हुआ है, हर चीज ओरिजिन इंडिया से ही होती है। जापानी शब्द है वैसे कराओके, बट यहाँ पे सबके सब बहुत ही बेहतरीन सिंगर्स हैं, कुछ को तो मैं सुन चुकी हूँ और यूट्यूब पे भी उनकी काफी वीडियोज हैं, बट यहाँ पे आई थिंक एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो जो लोग एंटरटेन करेंगे स्टेज पर उन्हें मेरा वोट जाएगा। तो आप लोग भी कुछ परफॉर्म करने वाले हैं या कुछ गुनगुना के कुछ करने वाले हैं? गुनगुना देंगे थोड़ा भवरों की तरह और कलियां खिलेंगे। खिल जाए महिला थी वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिछले जन्म की बीवी थी वो, जज्बात में आ गई थी वो, कहीं से याद आ गया था सुभाष गाए साहब का म्यूजिक। हाँ पीछे जाके फिर मेरे को वो करना पड़ा जो मैं आगे नहीं कर सकता। हाँ अच्छा, एज लॉन्ग एज ब्रीज राइट you know and they don't blow you away, it's okay. उनको या तो एसी में कन्वर्ट कर देंगे हम थोड़े टाइम के बाद। एसी की तेजी हो जाएगी। So as a judges, आज कितना प्रेशर होने वाला है आप लोगों के ऊपर भी? कुछ प्रेशर नहीं है बॉस, ऐसी सब चीजें करने में प्रेशर नहीं होता है ये तो। नहीं उधर ऊपर चार लोग बैठे हैं एक्यूप्रेशर करने वाले, वो प्रेशर लगाना प्रेशर होने वाला है काफी, क्योंकि ये लोग पिछली बार नहीं आए थे, जो सिर्फ बॉम्बे का सेमीफाइनल या फाइनल राउंड था, हमें समझ में ही नहीं आया था किसे फर्स्ट प्लेस दे किसे सेकंड प्लेस दे, क्योंकि सब बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के सिंगर हैं यहाँ पे। मजा आया, यू गॉट अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक, ये देखिए प्रेशर, फैंटास्टिक ईयर फॉर म्यूजिक। पर्सनालिटी एंड द प्रेजेंटेशन, बाकी सुर वो लोग पकड़ेंगे। सुर तो हम इसे करवा लेंगे, बट कुछ आप स्टार्ट हो जाए सर, एक क्या क्या जावेद भाई का मुजरा है क्या? नहीं सर स्टेप वहाँ पे हमको 15 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा, वो स्टेप उधर रहेंगे मेरे। नहीं 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 मेरा अभी स्टेप नहीं, बिकॉज अभी फिलहाल मैं उस स्टेप के लायक कुछ हुआ है, कुछ घुटने में कुछ है कुछ हिचकी, अभी नहीं कर सकता, बट मस्ती करेंगे। बहुत पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त हम दोनों, हमारी मम्मी हमारे लंगोट सेम एक्सचेंज कर सकते, कभी हमारे लंगोट पहन लेते हैं। नहीं नहीं बाबा धुलाई अच्छी हो जाती है, हम सब गाने वाले हैं भाई, थोड़ा रुक जाइए, हम लोग अभी गाएंगे बच्चन साहब और रेखा जी दोनों काम किया। अरे बहुत मुबारक है, सुपर बहुत बच्चन साहब ग्रेट सुपर यार, उनके बर्थडे में जाऊंगा ना पार्टी में, मैं तो खास केक खाने के लिए बुलाया उन्होंने, विशेष तो होंगे हमारी दुआएं यार, ग्रेट एक्टर ग्रेट फैंटास्टिक, आई थिंक ऐसे लोग जो होते हैं इट्स गुड, जितने ज्यादा वो जीते तो हमको ज्यादा उनका उनकी कला को देखने का और मजा लेने का एक अवसर मिलता है, सो आई थिंक दुआ वही होती है कि लंबी उम्र जिए सेहत से जिए और जो काम कर रहे हैं और अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। रेखा जी को बहुत दिन से देखा नहीं तो वो भी आना पड़ेगा, उनको बहुत जरूरी है उनका आना, बिकॉज वो भी सुपर एक्ट्रेस है, एंड विश ऑल गॉड रियली आई विश आई एम रियली फाउंड ऑफ ऑल गॉड ब्लेस। क्या विशेष बच्चन साहब के लिए? बच्चन साहब हाल ही में हम लोग ने साथ में काम किया था और काफी कौन से हॉल में हाल ही बेहाल बेहाल अच्छा हाल ही में काम किया था साथ में, और अभी भी 70 साल के हो गए मगर ऐसे लग रहे हैं कि अभी भी 25 साल की जो जवानी थी उनकी वैसे ही है, और हमारी दुआ यही है कि वो हमेशा ऐसे ही रहें, हमेशा सलामत रहें, हमारे देश के बहुत बड़े अभिनेता हैं वो, और अभिनेता नहीं है पहले नेता अभिनेता नहीं
अभिनेता और हमने बहुत सारी बधाई देते हैं उनके बर्थडे पर। हैप्पी बर्थडे सर। अगर आप देख रहे हैं तो पता नहीं ऐसे चैनल आप देखते हैं कि नहीं। जवान की बात है तो एक और एक्टर है जो अभी भी हमेशा मतलब अभी भी 16 साल के लगते तो क्या कहना चाहेंगे? जवान देखिए लास्ट 1 मिनट फॉर द मीडियम लास्ट 1 मिनट उमर नहीं है सर। उमर आपके ब्लास्ट आपके माइक जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। उमर क्या है, उमर फेस पे और इस पे नहीं रहती है। उमर जैसे आप अपना सोचो ना वैसे होती है। तो ये तो अभी बच्चे ही हैं और मैं इनसे छोटा हूँ तो मैं सोचो कहाँ हूँ। ये मुझे गोद में लेके दूध पिला रहे हैं। मैं तो दोस्ती में क्या क्या दे चुका हूँ देखिए। हमारे बाल कलाकार।